हम रामापुर सोनादिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फंटू सिंह उर्फ राजीव कुमार सिंह, और मैं सबसे पहले आपका चैनल का आप लोग का धन्यवाद देता हूं कि मेरा बात मेरे पंचायत और मेरे जिला तक बात पहुंचाने का आप लोग मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना अपने पंचायत वासियों को देता हूं, और मकर संक्रांति सरस्वती पूजा का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं जनता जनार्दन को। और मेरे से जो भी गलती से होता है, हम कम उम्र के, हमको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आपके पंचायत में कुछ समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, मेरे पंचायत में समस्या है जो कुछ सरकार का जो बाधित कर रही है कि ये काम करना है, वो काम करना है। हस्तक्षेप सरकार ज्यादा कर रही है, हम लोग इससे दुखी है। देखिए, अभी धरातल पर पंचायत में गांव में नली गली की जरूरत है। मिट्टी है तो मिट्टी है तो उसको नली गली जरूरत चाहिए। नली गली पर सरकार को फोकस करना चाहिए, उसे जनता में खुशहाली आएगी नली गली बनाने पर। इसलिए इसके लिए आप क्या कार्यालयों में गए, अधिकारियों से मिले, अपने बातों को रखा? बहुत सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग मोटेशन का काम करवाने के लिए जाते हैं, ब्लॉक में चक्कर काट रहे हैं, सारे हमारे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सीओ साहब से भेंट नहीं होता है। जब जाइए, सीओ साहब का चैम्बर है, ताला बंद रहता है। क्या नियम है? सीओ साहब का ताला बंद रहता है। हफ्ते में एक दिन दो दिन मीटिंग है, जिला में है, आप जिला में मुख्यालय में है, ठीक है, आपको तो बैठना चाहिए कार्यालय में कम से कम। हम लोग तो बात कर सकते, फोन पर तो भाई छोड़िए, फोन पर सीओ साहब तो फोन नहीं उठाते हैं, ऐसा तो सीओ हम नहीं देखे हैं। आरा सदर प्रखंड के सीओ, आरा प्रखंड का सीओ को बात कर रहे हैं हम जी, फोन कभी उठाते नहीं है। मान लीजिए कभी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घट गया, प्रकृति आपदा में, हम डीडी साहब से बात फोन करके बात बताए थे, शिकायत किए थे डीडी साहब से। डीडी साहब बोले कि वीडियो साहब से भेंट कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, वीडियो साहब से बात कीजिए। हम डीडी साहब से ये भी बात बोले कि अंचल का काम वीडियो साहब कैसे करेंगे, वो तो प्रखंड विकास अधिकारी है ना, तो विकास का काम कर रहे हैं, मतलब कि संपर्क में रहते हैं। तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से आपके यहाँ जो विकास का कार्य है? हाँ, देखो, विजय राय कर्मचारी है, बिना पैसा लेते काम करते नहीं है। विजय राय क्या है? राजस्व कर्मचारी है। हाँ, बहुत शिकायत मैंने थक गए हम सुनते सुनते। आप लोग सुने होंगे, साल पहले भी उनका शिकायत आया था, दो साल पहले भी शिकायत उनका आया था। ये शिकायत जनता जनार्दन को है, हम लोग भाई लास्ट में लोग सुधर जाए, न तो बेस होकर हम लोग धरना देंगे ब्लॉक को। पंचायती राज विभाग की तरफ से आप कुछ इस पर अपना करवा भी सकते हैं? पंचायती राज और अंचल का दोनों काम अलग अलग है ना, पंचायती अंचल का काम तो आप बता रहे हैं आपके साथ समस्या हो रहा है, आप जा रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधि के आप कर रहे हैं। हाँ। तो लगातार जब आप जैसे लोगों का इस तरीके से है तो पंचायत के लोगों का क्या हाल होगा? अरे वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम आपको अभी पहले कह रहे हैं कि आम जनता को क्या हाल होगा जब प्रतिनिधि को उन लोग फोन नहीं उठाते हैं सीओ साहब। सीओ साहब की तो अब यही क्या बात हम कहे, अब डीएम साहब से शिकायत करना पड़ेगा एक दिन, नहीं तो हम लोग धरना देंगे। इसे बहुत दुखी है जनता, ये जान लीजिए, किसी का जगबंदी नहीं हुआ है तो उसको कराना है तो चक्कर लगाइए। सबसे पहले मेरे पंचायत में देखिए, हम इंदिरावास में पैसा नहीं लेते हैं, और इंदिरावास में इंदिरावास सहायक पैसा मैंने जाके उसमें लगता है, हमारे पास कंप्लेन आता है। हम पैसा हम इस आपके चैनल के माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर एक रुपया किसी को नहीं देना है पैसा इंदिरावास में, अगर कोई भी मांग रहा है तो हमारे पास बोलिए, हम बोलते हैं कि विजय साहब के पास बात रखिए। आरोप लगा रहे हैं। हाँ। कुछ प्रमाण वगैरह रखते हैं? हमारे पास सारे प्रमाण हैं, अब बोलिएगा तो हम मंगा कर देखेंगे, धर देंगे आपके सामने रख देंगे। इंदिरावास में पैसा लेना कोई जरूरी नहीं, अगर है तो बोलिए, कौन कौन लेता है, क्या क्या लगता है, कहाँ कहाँ टेबल पर लगता है,